कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राजस्थान की सत्ता लगातार गर्माती नजर आ रही है। मामला गहलोत और पायलट का था, लेकिन अब यहां पर सीएम चेहरे के लिए हनुमान बेनीवाल भी आगे नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल वही जिन्होंने पायलट को एक ऑफर दिया था कि आप अपनी अलग पार्टी बनाइए, उसके बाद हमारे साथ गठबंधन कीजिए, तो हम तीन लोग यानी कि हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के नेता है, तीनों मिलकर गठबंधन करेंगे तो 140 पार सीटें आसानी से आ सकती है। ये ऑफर देते नजर आए थे हनुमान बेनीवाल। लेकिन कल शाम ये बड़ी खबर सामने आई कि विधानसभा सत्र में किस तरीके से यहाँ पर सीपी जोशी ने फैसला लिया कि हनुमान बेनीवाल यानी कि आरपीएल जो पार्टी है उसके तीन विधायकों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, ये बात यहाँ पर कही गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल इसी बात को लेकर ये कहते नजर आए कि जब 81 विधायकों ने उस रात इस्तीफा दिया था तो उन पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई, तब कहा थी सीपी जोशी। इस तरीके से सीपी जोशी पर लगातार वो अपनी हुंकारें भरते नजर आए, इल्जाम लगाते नजर आए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सीपी जोशी पर लताड़ लगाई थी जब वो ये कहते नजर आए कि उस रात कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था, ये अभी तक पर्चा पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया, इसलिए लिखित तौर पर सीपी जोशी से हाई कोर्ट ने अर्जी मांगी थी। अब देखा जाए 91 विधायक, तब से लगातार जानकारियां सामने आ रही थी, लेकिन जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो 91 से वो 81 विधायक हो गए कि 81 विधायकों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था जब यहाँ पर पायलट को सीएम बनाने की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद यहाँ पर विधायकों को एक अल्टीमेटम देना चाहिए, आखिरी वार्निंग देनी चाहिए, क्योंकि मजाक है कि पार्टी में बार बार बगावत होती रहती है और उस बगावत का फायदा यहाँ पर दूसरी पार्टियां उठाती रहती है, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल उठाते नजर आए, अब यहाँ पर सीपी जोशी पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। देखा जाए कि वो अपना काम बखूबी तरीके से नहीं निभा पा रहे, उन्होंने ये तक इल्जाम लगा दिया यहाँ पर कि साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना काम करी और बीजेपी उसके खिलाफ कुछ नहीं करी, तो अंदरूनी तौर पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। यहाँ पर इस तरीके की हुंकारें हनुमान बेनीवाल भरते नजर आए। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आरपीएल के नेता है और देखा जाए यहाँ पर तो पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुटे हैं। कहा तो पहले लाइन में पायलट और गहलोत थे, अब उस लाइन में यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी आ गए, किरोड़ी लाल मीणा भी आ गए, दिव्या मदेरणा भी है, खाचरियावास भी है, सीएम बनने की लाइन में अब हर कोई लगा हुआ है। किस पर दाव लगेगा, कांग्रेस पार्टी किसको मौका देगी, ये देखने वाले समय में होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है उसके बारे में भी आपको बताते चले, तो यहाँ पर इशारों में उन्होंने सीपी जोशी पर निशाना साध दिया। यहाँ पर इस्तीफे की मांग लगातार कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रही कि सीपी जोशी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सत्ता के इशारे पर स्पीकर जोशी ने लिया है निर्णय, ये बात यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने कही है। क्यों? क्योंकि सीपी जोशी यहाँ पर कहीं ना कहीं गहलोत के करीबी माने जाते हैं, गहलोत जो कहेंगे सीपी जोशी वो करेंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने इल्जाम लगाया कि गहलोत के इशारों पर चलते हैं सीपी जोशी, और साथ ही साथ कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है, इस बात में आपको सच्चाई लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।